दोपहर बारह बजे हम लोग जुड़ते हैं वाई पे जहां जीके देखते हो, दो दो हम लोग सब्जेक्ट तो लो देखते हैं हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी या फिर स्ट्रेटेजी के या फिर इकोनॉमिक की बात कर लें आज क्या है तो आज है बिल्कुल रैपिड फायर मोड क्योंकि तो आज है शनिवार तो याद रखना दोपहर दो बजे कहा मिलेंगे वाई फाई स्टडी पे अपन है ना तो अभी देखते हैं कितने सवाल लेकिन सबसे पहले उन सब बच्चों को हार्दिक बधाई हार्दिक शुभकामनाएं, माता सरस्वती आपकी जो गोल है आपका आपका लक्ष्य है, जो ओवरऑल कहते है कि जिसके लिए हम दिन रात एक करते हैं कि सरकारी नौकरी उम्मीद करें कि बिल्कुल अच्छा होगा आप अपने एंड से मेहनत करें हम अपने तरफ से मेहनत करते हैं दोनों की जब मेहनत मिलेगी तो फिर बिल्कुल सिलेक्शन लेंगे है ना आइए शुरुआत करें देखें बीस सवाल के लिए

बिल्कुल लगातार अच्छे तरीके से जुड़े रहे तभी फायदा होगा रेगुलर क्लास करेंगे तभी फायदा होगा है ना बसंत पंचमी रोशनी राजेंद्र है ना आई। अगर आप केवल रेलवे पेरेंट हैं तो आप याद रखिएगा कमिंग वेडनेसडे यानी अगर मैं इस वेडनेसडे की बात करूं तो क्या डेट पड़ जाएगा देखो यानी सोलह तारीख को आज नहीं नौ तारीख को ना आज पांच हाँ, नौ तारीख को यानी नौ फरवरी को एक बैच आ रहा है रेलवे रेलवे कैटेगरी कैटेगरी में जिस में जिसमें देखेंगे तो ज्वाइन जरूर करिए जबरदस्त तरीके से अपन धमाकेदार तरीके से अपन पढ़ेंगे ठीक है उम्मीद करेंगे बिल्कुल तैयारी अच्छी तरीके से होगी अनकैमेट सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ये कोड सब में अप्लीकेबल होगा दस परसेंट का अब जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं आइए सवाल नंबर वन देखें कि बिजा बिर्जा मंदिर जो है या राजा रानी मंदिर है वो या समलेश्वरी मंदिर है भारत के किस राज्य में यह मंदिर देखने को मिलता है केरल असम उड़ीसा तमिलनाडु क्वेश्चन नंबर एक बताइएगा यह मंदिर कहां देखने को मिलता है राजा रानी टेम्पल और समलेश्वरी टेम्पल ये तीनों मंदिर आपको भारत के उड़ीसा में देखने को मिलते हैं भारत के उड़ीसा में लेकिन सबसे ज्यादा अगर मंदिर देखें तो भुवनेश्वर में उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा के भुवनेश्वर में माइडियर कहां पे भुवनेश्वर में है ना चलिए जयंती त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत शानदार ठीक है भाई कहता भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म जाति वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है आर्टिकल अट्ठारह सत्रह सोलह पंद्रह क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू बताइएगा बच्चे कि बीच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा अनुच्छेद चलिए आदर्श भी जुड़ते हुए हमारे साथ तो बच्चे क्या होगा ये आर्टिकल पंद्रह आर आर सी आज हमने दस पांच वाली क्लास में देखा कहां पे तो अन अकेडमी पे जो स्पेशल क्लास जबकि अठारह कहते हैं उपाधियों का अंत यानी जो आपको टाइटल मिला हुआ है वो टाइटल आप यूज नहीं कर पाएंगे जो टाइटल जैसे कौन सा टाइटल तो सर का टाइटल नाइटहुड का टाइटल सत्रह छुआछूत का अंत कर दिए भाई कोई छुआछूत नहीं है हम और आप सब बराबर हैं सोलह की बात करता है तो लोक नियोजन के मामले में सरकारी नौकरियों के मामले में सबको एक समान अवसर दिया जाएगा अपवाद को छोड़कर एक्सेप्शनल केस को छोड़कर ठीक है नेक्स्ट एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहां स्थित है केरल कर्नाटक पुदुचेरी दिल्ली क्वेश्चन नंबर तीन होलसेल स्पाइस मार्केट लोकेटेड इन स्टेट और यूटी बताइए क्या होगा बताइए क्या होगा माय डियर क्या होगा बताओ देखो अभी केरल लगाओगे आप लोग सब लगाओ केरल क्या बोला है मसाला बाजार बोला है ये पूछा है क्या कि मसाला का उत्पादन या मसाला का प्रोडक्शन स्पाइस का प्रोडक्शन कहा होगा नहीं ना वो नहीं पूछा है तो आप केरल कैसे लगाओगे ये पूछा है कि सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार भारत में कहां पे तो दिल्ली में है कहां पे दिल्ली में है याद रखिएगा बिल्कुल तो खारी बावली बोलते हैं उसे खारी बावली दिल्ली की एक सड़क है भारत अपने थोक किरा एशिया के सबसे बड़े थोक मसाले बाजार में जाना जाता है जो तो चावल और चाय जैसे सभी प्रकार के मसाले नट्स बूटियां और खाद्य उत्पादों की बिक्री करता है ठीक है याद रहेगा क्या उम्मीद करेंगे चीजें याद रखोगे है ना नेक्स्ट देखो आगे खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने किस राज्य में पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक गुजरात क्वेश्चन नंबर चार इन विच स्टेट हैज है खाद्य इंडस्ट्रीज कमीशन ओपन द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट क्या होगा बताइए तो भाई कहां पे गुजरात में यानी खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने गुजरात में अपना पहला रेशम प्रसंस्करण खोला है ठीक है नेक्स्ट किसे पहले लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था बुद्ध जयंती पार्क मुगल गार्डन डियर पार्क लोधी गार्डन क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर फाइव विच एज द लेडी विलिंगडन पार्क Park, किसे पहले लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था तो पहले लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से लोधी गार्डन को जो भारत में कहा दिल्ली में भारत में कहा भाई

तांबा सल्फेट के घोल से तांबा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम जो धातु का यूज करते हैं वो कौन सा धातु है बताइए सोडियम है चांदी है पारा है लोहा है क्या होगा क्वेश्चन नंबर सात तांबा सल्फेट के घोल से तांबा को पुनः प्राप्त करने के लिए जिस धातु का यूज करते हैं वो कौन से धातु है कौन से धातु है भाई लोहा एफी क्या ये लोहा है कर्नाटक का अड़तीस जिला की इकतीसवां जिला है विजयनगर बच्चे कर्नाटक का थर्टी एट जिला कि अड़तीस जिला है सात जिला कब बन गया तांबा सल्फेट से तांबा को प्राप्त करने के लिए हम लोहे का उपयोग करते हैं ठीक है कॉपर सल्फेट रासायनिक कॉपर सल्फेट को संदर्भित करता है जो केमिकल फॉर्मूला रासायनिक से यूएस द्वारा वर्णित है पौधे अपने पोषक तत्व को मुख्य रूप से कहां से प्राप्त करते हैं जो पौधे हैं प्लांट है अपने पोषक तत्व को कहां से प्राप्त करते हैं क्लोरोफिल एटमोस्फेयर लाइट स्वाइल क्वेश्चन नंबर आठ क्या होगा तो प्लांट्स पौधे अपने पोषक तत्व को मुख्य रूप से कहां से प्राप्त करते हैं जरा बताइएगा तो पौधे अपने पोषक तत्व को मुख्य रूप से मिट्टी से प्राप्त करते हैं बच्चे से मिट्टी से प्राप्त करते हैं पौधे अपने पोषक तत्व को मुख्य रूप से कहां से मिट्टी से प्राप्त करते हैं याद रखिएगा बिल्कुल देखो कहते हैं कि पौधे अपने जड़ों के माध्यम से हवा से मुख्य रूप से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर अपने पत्तियों के माध्यम से ठीक या है याद रखेगा जड़ों के माध्यम से मिट्टी से ठीक है नाभिकीय आकार नाविक इकाई में व्यक्त किए जाते हैं न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट फॉर्मी एंगोस्ट्रॉम न्यूट्रॉन टेस्ला क्वेश्चन नंबर नाइन क्या होगा बताइए क्या होगा फर्मी हम किस व्यक्त करते हैं फर्मी में व्यक्त करते हैं बच्चे ठीक है तो फर्मी परमाणु भौतिकी में प्रयुक्त टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन मीटर के बराबर लंबाई की इकाई है या एक प्रोटॉन के व्यास के समान है किसके समान है प्रोटॉन के व्यास के समान है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तीन जून को किस रूप में घोषित किया है वर्ल्ड बाइसिकल डे, वर्ल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट डे वर्ल्ड ऑटोमोबाइल डे या वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे क्वेश्चन नंबर दस तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तीन जून को क्या मनाने का फैसला किया है सीधा सा सर एक बार YouTube में इंसियंट पढ़ा दीजिए प्लीज सीबीटी टू के लिए बेटा पढ़ाया है मैंने इंसेंट कई बार तो रोहन कई बार पढ़ाया है मैंने यूट्यूब में पढ़ाया वाईफाई स्टडी में पढ़ाया है फिर आपका स्पेशल क्लास में भी पढ़ाया है तो स्पेशल क्लास में आते ही नहीं हो क्या कवर हो गया रहता तो विश्व साइकिल वर्ल्ड बाइस्किल डे विश्व साइकिल दिवस विश्व साइकिल दिवस याद रखिए ठीक है नेक्स्ट तो 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तीन जून को साइकिल के विशिष्टता दीर्घायु और बहुमुखी प्रतिभा के उत्सव के लिए विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया गया है याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रायल्स नामक एक नया गेम प्रारूप पेश किया है बैडमिंटन टेबल टेनिस टेनिस या फिर स्क्वैश क्वेश्चन नंबर ग्यारह मैकमिलन क्या होगा बताओ कि किस खेल के विश्व निकाय no ने ट्रायल्स नाम नया गेम प्रस्तुत किया है तो बैडमिंटन में भाई इसमें बैडमिंटन में ये क्या है सर कि बैडमिंटन विश्व महासंघ ने बैडमिंटन खेल के दो नया प्रारूप कौन कौन एक एयर बैडमिंटन है और एक ट्रिपलेस है पारंपरिक प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन के विपरीत जो एक इंडोर गेम है और एयर बैडमिंटन क्या होगा एक आउटडोर गेम है क्या होगा एक आउटडोर गेम है भारत में केंद्रीय राजस्व <द् अधिनियम किस वर्ष में प्रख्यापित किया गया इन विच ईयर वाज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया प्रोमुलगेटेड 1963, सिक्सटी थ्री नाइनटीन क्या होगा क्या होगा भाई उन्नीस में 1963 में भारत में केंद्रीय राजस्व अधिनियम किस वर्ष प्रख्यापित किया गया था 1963 में किया गया कब किया गया 1963 में किया गया बच्चे किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम दूसरी बार पुरुषों के लिए एक दिवसीय कप के फाइनल में पहुंची थी 2003, 2011, 2019, 2007 हजार क्वेश्चन नंबर तेरह तो किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम दूसरी बार पुरुषों के लिए एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल में पहुंची है क्या होगा जवाब बताइए तो बेटा कब पहुंचे थे दूसरी बार 2003 में सौरव गांगुली के कप्तानी में जो इंडिया हारा था तीन बार पहुंचे फाइनल में उन्नीस में पहुंचे वर्ल्ड कप जीत लिए 2003 में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया हरा दिया और फिर दूसरी बार जब 2011 में पहुंचे तो धोनी के कप्तानी में जीत गए थे ठीक है याद रखना सवाल पूछा कब पहुंचे थे तो दो बार पहुंचे बच्चे उन्नीस में एक बार जीते एक बार दो में जीत गए ठीक है 2003 में हारे और चार बार सेमीफाइनल खेले हम लोगों ने कब कब उन्नीस में उन्नीस में देखो उन्नीस सौ 2015 छियानवे दो हजार पंद्रह का वो दर्द कौन भूलेगा जब धोनी क्या हो गया था रनआउट है ना धोनी जब रनआउट हो गए थे आपको याद होगा है ना मेरा कमेंट नहीं जा रहा है क्या बिल्कुल रोशनी जी बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं सबके अरे ये टाइम आउट मैं नहीं करता हूँ टाइम आउट यहाँ खुद हो जाता है ये चैनल को शराप मिला हुआ है बिल्कुल मैं कहता हूं आपको है ना तो आप लोग दुआ करते नहीं हो कि शराब छूटे माता रानी का शराब मिला हुआ है बोली बम और पिस्तौल क्रांति नहीं बनाते क्रांति की तलवार विचारों के मठा पत्थर पर तेज होती है किस स्वतंत्रता सेनानियों ने, ने कहा है भगत सिंह बाल गंगाधर तिलक सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद क्वेश्चन नंबर चौदह फोर्टीन बताओ क्या होगा चलिए हमारे साथ गुप्ता जी भी जुड़ते हुए ऑप्शन सी लिखते हुए हाँ आशीष सही कह रहे हो टाइम आउट के लिए ट्विटर चलाओ ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा टाइम आउट के लिए तो भगत सिंह क्या है भगत सिंह भाई धीरज पाल का जवाब बिल्कुल सही है भगत सिंह आगे देखो 1937 में चेन्नई में मुतैया चिदम्बरम चेतियार ने निम्नलिखित तो में से किस बैंक की स्थापना की थी इंडियन ओवरसीज बैंक केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक धनलक्ष्मी बैंक क्या होगा बताइए तो भाई क्या होगा इंडियन ओवरसीज बैंक जिसका मुख्यालय कहां पे? चेन्नई मुख्यालय कहा बच्चे चेन्नई है यानी इंडियन ओवरसीज बैंक मुथैया चिदम्बरम चटियार मुथैया चिदम्बरम चटियार एक भारतीय उद्योगपति और बैंकर थे जिन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की थी निम्नलिखित में से किसने पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज लिखी है झुम्पा लाहिड़ी और गीता पिरामल, सुधा मूर्ति क्वेश्चन नंबर सोलह बताओ तो किसने पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज लिखी है माइडियर तो पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा बच्चे सुधा मूर्ति के द्वारा यह प्राइवेट बैंक है ना ना इंडियन ओवरसीज बैंक प्राइवेट बैंक ना है लेकिन सरकार इसे प्राइवेट बनाने पर तुली हुई है सरकार कह रही है प्राइवेट कर थी है ना प्राइवेट बैंक नहीं है याद रखना एक डैश एक प्रकार का अच्छा है जिसके लिए इसे कीमत बढ़ने के साथ इसकी मांग बढ़ जाती है उसे हम कौन से वस्तुएं बोलते हैं वेबलेन वस्तुएं गिफ गुड्स कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सत्रह क्या होगा बच्चे तो वो हम उसे वेबलेन वस्तुएं बोलते हैं वेबलेन वस्तुएं बोलते हैं वेबलेन वस्तुएं की कीमत बढ़ने से इसकी मांग बढ़ जाती है यानी वेबलेन वस्तुएं क्या है लग्जरी गुड्स लग्जरी गुड्स है देख लो एप्पल का रेट बढ़ा एप्पल का रेट बढ़ा मतलब उसकी डिमांड बढ़ी तो कौन खरीद सकते हैं जो संभ्रात लोग हैं जो कैपेबल हैं, तो वेबलिन माल लग्जरी वस्तुएं या बेहतर सामान है जिनकी कीमतें आपूर्ति और मांग के विशिष्ट आर्थिक नियमों का पालन नहीं करती है मतलब यहाँ पे जो थ्योरी है ना जो यहाँ पे जो थ्योरी है डिमांड सप्लाई का सब फेल हो जाता है सब फेल हो जाता है ना याद रखना बिल्कुल नेक्स्ट वेबलन के सामानों के उदाहरण में क्या आएंगे स्विस घड़िया कौन खरीदेगा भाई डिजाइनर हैंडबैग कुछ वाइन गहने लग्जरी कारें शामिल है क्योंकि वे मांग में है क्योंकि वे महंगे हैं मांग में है क्योंकि वे महंगे हैं है ना गिफेन क्या है भाई गिफेन गुड्स कई लोगों को लगेगा एक कम इनकम गैर लग्जरी उत्पाद है जो मानक आर्थिक और उपभोक्ता मांग सिद्धांत को बिल्कुल गलत बताता है यानी जब कीमत बढ़ती है और गिरती है तो गिफेन माल की मांग बढ़ जाती है जैसे रोटी चावल गेहूं शामिल हो सकते हैं गिफेन गुड्स क्या होगा गिफेन गुड्स कहता है कि सर यहां पर डिमांड लॉ काम नहीं करता है ये जैसे इसके रेट कम होते हैं हम क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं अभी समझो कि अभी ग्रॉफर्स पे ऑफर आया कि भाई साहब तेल दाल दात घी सबके रेट कम हुए हम जहां खपत करते थे एक के जी हमारी कोशिश होगी पांच के जी ले आए स्टोर कर लें, वो गिफेन गुड्स हो गया ठीक है याद रखिएगा बिल्कुल प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमन चेरी कुमन नायर नम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है मैंने पूरी सतारिया मोहन टम कथकली क्योंकि गिफेन गुड्स और वेबलिन में यही अंतर है तो हम डिमांड बढ़ाते हैं और गिफेन गुड्स में रेट घटा तो हम तब भी डिमांड बढ़ाते हैं तब डिमांड बढ़ाते हैं ठीक है तो बच्चे प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनचे रामन नायर की बात करें यह किस नृत्य से जुड़ी है कथकली जो कहा की है केरल की मणिपुरी मणिपुर की है सतारिया असम का है ये भी केरल का है ये भी केरल का है ना चेतन चेरी कुंडी रामन नायर कथकली के कला रूपे अनुभवी है केरल की एक अनूठी नृत्य नाटिका कथकली की उत्पत्ति सोलहवीं शताब्दी में देखने को मिलती है नेक्स्ट माइडियर चेमनचेरी भगवान कृष्ण के वेश को निभाते हैं ठीक है थीके? बुमचू भारतीय राज्य में मनाए जाने वाले एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है किस राज्य का पश्चिम बंगाल ओडिशा सिक्किम असम क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक त्यौहार है तो ये सिक्किम में है बुमचू कहां पे सिक्किम में है बुमचू याद रखिएगा कहां पे भाई सिक्किम में किस खेल के साथ ट्विडल वर्ड जुड़ा हुआ है शब्द जुड़ा हुआ है ट्विडल शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है क्रिकेट रग्बी, टेबल टेनिस हॉकी क्वेश्चन नंबर बीस विथ विथ ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द टर्म ट्विडल एसोसिएटेड ट्विडल शब्द किस खेल से है तो टेबल टेनिस और ये चाइना का नेशनल गेम चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स ठीक है याद रखना तो भाई ये था आज का सेशन आइडियर अभी दो बजे क्लास कहाँ होगी वाई फाई स्टडी पे मिलेंगे दो बजे याद रखिएगा जिनकी भी तैयारी करते हो आप चाहे रेलवे हो एस एस सी हो या जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप हमारे एस एस सी बैच आप जरूर ज्वाइन करिए जो दो तारीख से शुरू हुआ है माइडियर ठीक है इसके अलावा आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो जहां रेलवे एस एस सी दोनों कवर कर सकते हो क्योंकि रेलवे में भी पढ़ सकते हो इसमें और कॉम्बो में फायदा यही है कि रेलवे की भी तैयारी हो जाएगी और आपके एस एस सी की भी तैयारी हो जाएगी ठीक है प्लस में जुड़ने का फायदा क्या है सर अनलिमिटेड एक्सेस है स्ट्रक्चर कोर्सेस है टेस्ट एनालिसिस है इसके बाद माय डियर आप हमारे एस एस का टाइमिंग नौ बजकर पांच मिनट पे है सफलता बैच भी आप अवेल कर सकते हो आइकॉनिक फीचर क्या है माय डियर ये फीचर देख सकते हो आइकॉनिक यानी आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो लाइव क्लास राइज हैंड फीचर कई सारे फीचर्स हैं आप अपना डाउट अनकेडमी लर्निंग एप या वेबसाइट में भी जाकर पूछ सकते हो एस एस सी एग्जाम में और एक साथ आप तीन डाउट पूछ सकते हो वो भी अपने भाषा में बिल्कुल हिंदी में और ये टेस्ट जरूर लगाइए टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तैयारी और जबरदस्त होगी बिल्कुल फ्री है और ये टॉक विथ योर फेवरेट एजुकेटर आप लाइव क्लास में जब आते हो प्लस पे तो एजुकेटर से बात जरूर करिए जिससे आपकी क्वेरी दूर हो ठीक है और ये प्राइस आप देख सकते हो एस एस सी का है ये देख सकते हो है ना ये जरूर देखिएगा अगर कोई इन प्रोप्राइट कंटेंट मिला होगा तो क्लेम करके अवार्ड दे सकते हो माइडियर और याद रखिएगा कल छह तारीख है यानी कल है कॉम्बेट किस पर बेस्ड ये सी पर बेस्ड है सिक्सटी मिनट सिक्सटी क्वेश्चंस एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द करंट सी एच एस एग्जाम पैटर्न तो इंस्टॉल कर लें कोड डालें बाबर और इंस्टॉल करें अगर आपका रैंक एक से तीन आता है तो हंड्रेड परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ठीक है भाई याद रखिएगा बच्चे सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना मिलते हैं अभी दो बजे वाईफाई स्टडी पे तब तक, तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू शुक्रिया लव यू टेक केयर